चलिए, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था और उसकी हेल्प से हमने बॉन्ड कैसे डिसोसिएट होगा ये पढ़ा था। आई होप कि आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप उसे दोबारा देखिए, मैंने उसमें सब इंक्लूड किया है, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है अगर आप लेक्चर को दो बार देख लेंगे तो। और आप चूंकि 11th में हैं, आपको देखना चाहिए, बिकॉज उसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड हुए थे। ठीक है, अब उसमें जो एक फैक्टर इंक्लूड हुआ था, आपको याद है, वो हाइड्रेशन एनर्जी लिखा हुआ था। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, पहले वो हमें समझना पड़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जरा सुनना, कि जब कभी किसी भी पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड को डालते हैं, जैसे NaCl को डाला था, तो वो आयनिक कंपाउंड NaCl कंप्लीटली डिजोल्व हुआ था। ठीक है, और कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद Na+ ने पानी को खींचा था, और पानी को खींचने के बाद वहां से एक एनर्जी बाहर निकली थी, उसको हमने कहा था हाइड्रेशन एनर्जी। कैसे कहा था, दोबारा देखना, ये आपका NaCl था, जब ये पानी में गया तो ये पानी में Na++Cl- में गया था, और जब ये पानी में गया था तो इसने अपने खींचा था चारों तरफ। तो मैंने आपसे कहा था ये आयन होता है और ये डाइपोल होता है, तो इस अट्रैक्शन का नाम था आयन डाइपोल। फिर मैंने इसके लिए कहा था, इसके लिए भी मैंने कहा था आयन डाइपोल है। अब आप इसको देखो, आयन डाइपोल है, इसको देखो आयन डाइपोल है। इस आयन डाइपोल से अट्रैक्शन हुआ था तो एक एनर्जी बाहर निकली थी, और इसको नाम दिया था अपन ने हाइड्रेशन एनर्जी। इसको भी नाम क्या दिया था अपन ने, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां से जब आपके अट्रैक्शन से बाहर निकलेगी एनर्जी, तो उसे क्या कहा था अपन ने, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन तैयार हो गई, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी। डेफिनेशन क्या बनी, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। क्या डेफिनेशन है इसकी बताओ, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, कंप्लीटली डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। नोट करो, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली डिजॉल्व, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी भी आपको समझ में आ गई। मिटा दो इसको, क्योंकि ये तो पहले भी लिखा हुआ था। अगली आती है लैटिस एनर्जी। क्या आती है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, अब ये क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, उसके गैसियस कैटायन और एनायन से तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोल दिया सर, तो सुनो, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस कैटायन एंड एनायन, यानी कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस कैटायन और एनायन होते हैं उससे मिलकर के अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है तो फिर उसे क्या कहते हैं अपन, लैटिस एनर्जी। नोट करके लिखो,
अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड, वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ गैशियस कैटायन एंड गैशियस एनायन, वन मोल ऑफ गैशियस कैटायन एंड गैशियस एनायन फॉर्म फॉर्म वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो ये आपका एक मोल कैटायन है, एक मोल एनायन है, ये आपस में मिले तो आपका क्या बना, एक मोल आयनिक कंपाउंड। इससे एक एनर्जी रिलीज हुई है, अगर आप इसको वापस दे दोगे तो ये फिर से अलग हो जाएंगे। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन एक और बोल सकते हो आप, क्या, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, दोबारा से बोलना, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैशियस कैटायन एंड एनायन। लिखो फटाफट, अमाउंट ऑफ, दूसरी डेफिनेशन लिखना, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी when amount of required energy to break one mole of any compound, amount of required energy to break one mole of any compound, one mole of any compound into its gaseous cation and anion। ठीक है, तो amount of required energy भी बोल सकते हैं। Lattice energy का जो formula होता है वो होता है माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, जहां R बराबर होता है आर सी प्लस आर ए, इन दोनों को मिला के। आर सी मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन, और आर ए मतलब होता है रेडियस ऑफ एनायन। आराम से, यहां माइनस लग रहा है, क्यों हम माइनस वाली लेते हैं, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, ये माइनस का मतलब होगा आयनिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है ना, लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के मतलब होता है यहां पर आपका कांस्टेंट। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं, अच्छा ये साइन मतलब कोई लेना देना नहीं है, माइनस और प्लस मत लगाना इसको, इसको सिंपल मानना कि रिलीज्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में साइन है ये नेगेटिव। ठीक है, यानी कि लैटिस एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी आएगी, चार्ज। इसीलिए बोल रहा हूँ कि नेगेटिव को मत सोचना, वरना आप क्या सोचते हैं नेगेटिव में चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अगर चार्ज बढ़ जाए तो आपको बोलना है लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, और साइज की बात करें तो वन अपॉन का रिलेशन है, तो अगर साइज बढ़ जाए तो लैटिस एनर्जी घटेगी। क्या बोला दोबारा बताओ, चार्ज अगर बढ़ जाए तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, और साइज अगर बढ़ जाए तो लैटिस एनर्जी घटेगी। नहीं आया समझ में, क्लियर? अब यहां पर जो सवाल पूछेगा वो पूछेगा ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी दे दिया तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, क्या बोला जल्दी बताओ, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बोल दिया उसने, तो अब ये डाउट है कि साला करेंगे कैसे इसको। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले चार्ज निकाल लो आप, तो यहां पर लिथियम पर भी प्लस आता है, इस पर माइनस, प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हर जगह आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है। क्लियर सबको? तो अब अगर यहां पर अपन ध्यान दें तो यहां पर आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है, चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। तो बात किससे डिसाइड होगी लैटिस एनर्जी की? साइज से। अब आप देखो सीएलए 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 सीएलए, तो एनायन का साइज तो कांस्टेंट है, तो फिर किससे डिसाइड होगा? साइज कैटायन से। कैटायन का साइज नीचे आने पर बढ़ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं? लैटिस एनर्जी घट रही है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है इधर, तो लैटिस एनर्जी घट रही है, तो ये आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आराम से रिलैक्स, दोबारा देख लो ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। सबसे पहले मैंने चार्ज लगा दिया, चार्ज तो सब में बराबर है, कांस्टेंट है, किसी का भी चार्ज ज्यादा नहीं है, देखो कांस्टेंट है। अब किससे डिसाइड होगा? साइज से। साइज में भी देखा सीएल 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 सारे सेम है, तो कौन से साइज से? कैटायन के। नीचे आने पर कैटायन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और नीचे आने पर अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा? साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी घट रही है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर? अगला बताओ। ये आ गया। अब इसको कैसे करें सोचो। आ गया, देखो यार इसको अगर आयनाइज करोगे तो इस पर तो प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस टू आएगा। ये यहां जो लिखा होता है वो यहां का चार्ज होता है, यहां भी माइनस टू आएगा, यहां प्लस वन आएगा, यहां प्लस वन आएगा, माइनस टू आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस टू आएगा। ये ध्यान रखना, इधर का चार्ज होता है यहाँ आता है जो, तो ये उधर ले जा सकते हैं अपन, ये चार्ज आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? अब चार्ज तो कांस्टेंट है इनका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब किससे देखेंगे? साइज से। किससे? साइज। लिथियम का साइज, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सीजियम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ा लैटिस एनर्जी घटी, आ जाए। क्लियर? अगला देखो। बताओ सोचो जल्दी। वापस देखो, चार्ज पोटेशियम पर प्लस होता है, एफ पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करें? अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या? चार्ज तो कांस्टेंट है, पोटेशियम इस बार कांस्टेंट हो गया, तो एन आयन के साइज पर देखो एफ सी एल बी आर आई, साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब की बार साइज ऑफ कैटायन की जगह यहां क्या लिखना चाहिए? साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी घट रही है, इसका आएगा फिर। आया ना? अगला बताओ। बोलो, इसमें देख के बताओ। फिर से वही, यहाँ प्लस टू यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस टू यहाँ माइनस, यहाँ प्लस टू यहाँ माइनस, यहाँ प्लस टू यहाँ माइनस। क्लियर? अब क्या करें? उधर जाने पर क्या होगा? साइज बढ़ रहा है किसका? एनायन का, तो लैटिस एनर्जी घटेगी। पक्का? अगला बताओ। NaCl, MgCl2 और AlCl3,
अब देखो जरा, अब ये सारे के सारे थर्ड पीरियड के हैं। साइज जो है ना हमेशा ग्रुप में देखनी है, फिर से बोल रहा हूं, साइज किस में देखोगे? ग्रुप में। आपने अभी तक जितने एग्जांपल लिए ग्रुप में साइज बढ़ रहा है। ये सारे के सारे किधर जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट, यानी कि पीरियड देखो आप, ये थर्ड, ये थर्ड, ये थर्ड, तो साइज नहीं बोलते इसको, थर्ड पीरियड वाला साइज ऑलमोस्ट क्या है? सेम। ठीक है, तो किस पर बात आएगी अब? चार्ज पर। यहां +1 है, यहां +2 है, यहां +3 है। मैं फिर बोल रहा हूं, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। पीरियड में ऐसे नहीं होता है, आप ये नहीं सोचेंगे कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन साइज को यहां पर नहीं देखना कंसिडर। साइज हमेशा कहां कंसिडर करते हैं? ग्रुप में। ठीक है, ये सेम पीरियड है। अब क्या करें? साइज तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया, तो चार्ज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। MgF2, MgO, Mg3 एंड 2। फिर देखो अब, ये सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड है। साइज फिर से नहीं देखना। अब किस पे आएगी बात? चार्ज पे। तो ये +2 है, फ्लोरीन पर -1 आएगा। ये 2 इधर आ रहा था, यहाँ 2 है, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 है और यहाँ -3 आएगा। अब आपको एक चीज बहुत बड़ी दिक्कत देगी। आप जब, आपको याद है फॉर्मूला क्या था लेटिस एनर्जी का? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। इस माइनस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैंने मना किया था। क्यू वन इंटू क्यू टू। अब आप अगर 2 × 1 करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही देखना है हर बार। मैंने यहां पे भी मना किया था नेगेटिव नहीं देखना, यहां भी मना कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखना है। जैसे आप क्या करेंगे, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6। अब आप ये -6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि -6 लेते ही आप बोलोगे चार्ज कम हो गया। हमेशा मैग्नीट्यूड देखना होता है। ये तो साइन है बस, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो इधर आएगा सबसे ज्यादा चार्ज। इन दोनों में लेटिस एनर्जी बताओ। तो ये स्कैंडियम है, क्या है ये? स्कैंडियम। स्कैंडियम पर आपका आता है +3, ये -3 है। टाइटेनियम पर आता है +4, ये आता है -4। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसी का ज्यादा आएगा। क्लियर? तो ये आपका ज्यादा हो गया, आया ना? नाइट्रोजन पर -3 है तो पता ही है ना, -3 अगर यहाँ है तो यहाँ +3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई 2 या 1 नहीं है। और कार्बन पर -4 ही होता है मैक्सिमम, क्योंकि कार्बन माइनस में है, यहाँ पे ये प्लस में होगा। कैटाइन पहले लिखा होता है, कैटाइन फिर एना है। ये -4 है तो ऑब्वियसली ये +4 आ गया, क्योंकि यहां भी 1 और 2 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से लैटिस एनर्जी आपको निकालनी है। तो ये आज आपने पढ़ा हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। ठीक है, अगला हेडिंग आएगा आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका Na2O आ गया, ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो इस तरह का एक बॉन्ड बनाते हैं। और पिछली क्लास में आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इस तरह का ये पानी में जाके अगर बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड जो है वो क्या देता है? Na+ और OH-। यहां से ब्रेक हुआ था ये, तो यानी बेसिक, तो यानी कि सोडियम का OH यानी हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो उसका ऑक्साइड भी बेसिक है, क्योंकि कोई भी ऑक्साइड होगा वो पानी में जाने पर अपना यही वाला पार्ट बनाएगा। कोई भी जो ऑक्साइड होगा वो पानी में जाएगा तो वो यही पार्ट बनाएगा, तो ये आपका एसिड है, बेसिक। क्लियर? तो अब आपसे सवाल पूछा उसने, ऑर्डर ऑफ, उल्टा पूछ रहा है अब, एसिडिक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर,
अब सवाल को समझना आप, हमारे यहां पर एक चीज हमेशा याद रखें आप, एक एसिड है और एक बेस है। अगर कोई ज्यादा एसिड है तो इसका मतलब आपको बोलना है वो वीक बेस है। दोबारा सुनेंगे, मैंने जो बोला अगर कोई ज्यादा एसिडिक है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, वो वीक बेस है। अगर कोई ज्यादा एसिडिक है तो इसका मीनिंग आप क्या निकालोगे, वो जल्दी बोलो, अगर कोई ज्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब ये निकलेगा वो वीक बेस है। क्लियर है? अब उल्टा पूछ लिया उसने यहां पर एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर वो रखेगा जो ज्यादा एसिडिक है, या उल्टा बोलू जो ज्यादा एसिडिक है वो वीक बेस है ना? उल्टा बोले अब, जो वीक बेस है वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि LI को यहां पानी में डालेंगे तो LiOH आएगा, सीजियम को पानी में डालेंगे तो सीजियम OH आएगा, और मैंने आपको बताया था सीजियम OH ज्यादा बेसिक था, और अगर सीजियम OH ज्यादा बेसिक है तो ये लीस्ट एसिडिक हो गया। सेम कॉन्सेप्ट, ये भी बताया था, इसको डालेंगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। नीचे जाने पर याद करो मैंने बताया था ये ज्यादा बेसिक है तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक आएगा। फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में कि Li2O और BO अगर पूछे ऑर्डर ऑफ एसिडिक तो ये ज्यादा होगा एसिडिक, आया ना? क्लियर? ये पूछे हैं सब मैंने, ये सारे सवाल पूछे हैं आपसे, ठीक है? अब इसमें एक नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सारे बेसिक होते हैं। दोबारा से बोलना, एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे बेसिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। दोबारा से बोलो, एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। दोबारा बोलो, बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा और बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा, ठीक है? लेकिन एसिडिक और बेसिक दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर बराबर बिहेवियर हो गया तब तो न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड उसे कहते हैं जो ना तो एसिडिक की तरह बिहेव करे ना बेसिक की तरह बिहेव करे। तो सोचो जितना H प्लस आया उतना ही अगर OH आ गया तो जीरो हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक में भी कोई एसिडिक ज्यादा बेसिक कम, बेसिक ज्यादा एसिडिक कम, इस तरह का होता है। अभी मैं बता रहा हूं आगे, ये एम्फोटेरिक हो गए। अब जो एम्फोटेरिक हैं उनमें मैं सारे एम्फोटेरिक आपको बता देता हूं। ये आ जाएगा पन जा बे अली गाना सुनाओ कार में। क्या है ये? पन जा बे अली गाना सुनाओ कार में। पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में, ये तो पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में जितने भी हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सारे के सारे एम्फोटेरिक होंगे। क्या बोला मैंने? ऑल द पॉसिबल
ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. जितने भी हैं, जैसे मान लो आपसे बोला PbO, लेड का एक ऑक्साइड आपको दिया PbO, क्या है ये? एम्फोटेरिक. PbO2 एम्फोटेरिक, PbOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो भी हो सब एम्फोटेरिक. ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं एक दो, वो लिख देता हूं. जैसे आर्सेनिक, ये भी एम्फोटेरिक होगा, और एक V2O5, ये भी एम्फोटेरिक होगा. एंटीमनी, ठीक है, ये भी एम्फोटेरिक होंगे. तीनों नोट कर लो, ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं. हो गया. इसको मैंने पानी में डाल दिया तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ और एच, H2SO4. अब मुझे देखना है कि एसिड है कि बेस है, तो मुझे पता था ये तो 2.1 है, इसकी भी मुझे पता है 3.5 है, इसकी मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता हाइड्रोजन से ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है. वैसे मैं बताया था 2.78 के आसपास है ये, तो ये अगर 2.1 है और ये 2.78 है तो ये बॉन्ड पोलर होगा तो ये टूटेगा आराम से. ये 2.1 है, ये 3.5 है, इसका मतलब क्या निकला? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि यहां 2.78 है तो पोलरिटी कम आएगी, यहां पोलरिटी ज्यादा आएगी तो एसिड होगा. क्लियर? तो यानी ये क्या बाहर निकालेगा? एच प्लस. तो इसका मतलब ये एसिड होगा ऑक्साइड भी, क्योंकि ये ऑक्साइड पानी में जाकर ये बनाएगा. अब अगर यहां पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाए, तो सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाए तो ये जो गैप है, ये वाला गैप तो कम होता जाएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और ये उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा तो जल्दी बाहर निकलेगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज. आराम से समझेंगे, यहां दिख रहा है ये नॉन मेटल है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दे तो गैप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम. ये डिफरेंस कम होगा तो ये जल्दी निकलेगा एच, ज्यादा एच तो ज्यादा एसिडिक, ज्यादा एच तो ज्यादा एसिडिक. क्लियर? तो यानी अपन ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं लेफ्ट टू राइट, जब भी हम पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज. तो आपको बस लेफ्ट टू राइट देखना है और आपको बोलना है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. तो जैसे आपसे बोलेगा CO2 और SiO2, या पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं, चलो आपको बोलेगा Na2O, MgO, L2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. आपको सवाल में दिया उसने ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. सवाल में क्या दिया उसने? ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. तो लेफ्ट से राइट जा रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर आया ना? आप देखो इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनाता था, ये NaOH। इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा, ये MgOH, पानी। इसको अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी में डाल देंगे तो ये आपको ये बनाता है सिलिसिक एसिड। इसको पानी में डालेंगे H3PO4, H2SO4, HClO4। ये कैसे लिखे ये मत सोचना आप, मैंने लिख दिया, मैं बाद में बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा कैसे लिखे, है ना। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये बेसिक। आपको पता है ये एम्फोटेरिक होता था, ये लाइट एसिडिक, ये एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये आपका HClO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल बढ़ेगा तो भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, दोबारा बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल अगर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अब इसी पर सवाल छोटे छोटे हैं, देखना जरा। ये वाला डाउट अभी होल्ड पे है कि आपने इनका कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ये सब छोड़ देना अभी, इनको कुछ मत देखो अभी। बस आप ये देखो कि इधर से इधर जाने पर एसिडिक बढ़ रहा है ना। हाँ, अब आपसे बोला CO2 ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, CO2 और SiO2 में बोला। अब आपसे बोला इसमें बताओ कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, कार्बन लिखो, सिलिकन लिखो, नीचे आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। नीचे आ रहे पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम। इसका मतलब किसकी कम होगी, CO2 और SiO2 में, किसकी बोलो, ये आएगा एसिडिक। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने, H2CO3 और H4SiO4। अब आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ दो हाइड्रोजन है या चार हाइड्रोजन है, फिर से वही गलती मत करना। वापस देखो आप सेंटर, ये कार्बन है, सिलिकन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, इसकी, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसका ज्यादा। अब एग्जामिनर ने फंसा दिया आपको, आपसे बोला इसका ऑर्डर बताओ एसिडिक कैरेक्टर, चलो बताओ कैसे फंसे आप बताओ। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, एटम ही सेम है। अब बोलो जब एटम सेम हो तो कैसे देखोगे, क्योंकि एटम सेम है तो आपको ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, फिर कैसे करेंगे, चलो बताओ। अब अगर आप CO और CO2 की बात करें तो यहां पर कार्बन सेम है, तो यहां पर जब कार्बन सेम हो या एटम सेम हो तो आप एक बात ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। अब देखो जरा इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 होता है तो यहां कार्बन पर कितना आएगा, +2। ऑक्सीजन पर -2, दो ऑक्सीजन है तो -4, तो कार्बन पर कितना आएगा, +4। इन दोनों में किसकी ज्यादा चार्ज है, कार्बन पे, तो कार्बन पे ज्यादा चार्ज है इस वाले पे, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। चलो अगला बताओ,
अब इधर देखो, एसओ टू और एसओ थ्री की बात करें, एसओ टू और एसओ थ्री की बात करो, तो वापस से ऑक्सीजन पर -2, दो माइनस, टोटल 4 माइनस, तो 4 प्लस, -2 × 3 6 माइनस, तो 6 प्लस। चलो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये यहां आ रहा है, इसका मतलब यहां जाएगा -2, तो नाइट्रोजन पर कितना आएगा, यहां +1, यहां ऑक्सीजन पर -2, तो यहां +2, यहां देखो ऑक्सीजन पर -2 है, तो नाइट्रोजन पर ये आएगा +3, यहां आ रहा है तो ये +4, ये +5। अब बताओ क्लियर। क्लियर, अगला बताओ, H2SO3 और H2SO4, वापस से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यह आएगा +4। कैसे, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है तो 2, सल्फर को निकालना था तो X, ऑक्सीजन पर आता -2 0, X को सॉल्व करोगे यहाँ 0 आ रहा है ना, तो X की वैल्यू आएगी +4, ऐसे इस पे निकालोगे तो आएगी +6, तो ये आपका आ गया H2SO4 एसिडिक। इनमें निकाल के बताओ, जल्दी देखो, ये 1X प्लस ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 0, X बराबर कितना आ गया +1, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे इसमें सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, 5 और 7, तो HClO4 आएगा। क्या आया, HClO4। क्लियर, तो आप इस तरह से इनका एसिडिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। अब आएगा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, जैसे आपका क्रोमियम है CrO, Cr2O3, CrO2 और CrO3। अगर आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां +2 आ रही है, यहां +3 है, +4 है, +6 है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मैंने कहा था, सॉरी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो अगर आप इनको देखोगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है अलग अलग। अब ये मत पूछना क्यों है, वो हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, सब केमिकल बॉन्डिंग में सारा आ जाएगा ये। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इनकी, तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो नेचर भी वेरिएबल आएगी। वेरिएबल में देखो, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो ये क्या होगा, एसिडिक। ये सबसे लोअर में है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आएगी, तो ये क्या होगा, बेसिक। ये बीच में है इसलिए इनका जो नेचर आएगा वो क्या आएगा, एम्फोटेरिक। यानी कि डी ब्लॉक का तो कॉन्सेप्ट फिक्स है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा, बेसिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा, एसिडिक। कैसे, आप अगला आप बताएंगे। चलो, ये आपका +2 8/4, +3, +4, +7, क्लियर। ये क्या कहलाएगा, अब आपने हिसाब से बताओ,
बेसिक, ये क्या कहलाएगा? एसिडिक। और ये बीच वाले क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक। क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक। क्लियर? तो ये आपके डी ब्लॉक में भी आ गए। इस कॉन्सेप्ट से आप जितने चाहो उतने आप निकाल सकते हो, बस एक आपको अभी याद रखना पड़ेगा, ये वाला ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ये आप थोड़े दिनों बाद सीखेंगे, क्योंकि अभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये ऑर्डर क्यों आया। अभी आप 11th में हैं, थोड़ा सा आप बड़े हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। H3PO4 है ये, क्या लिखा हुआ है? H3PO4। अगर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट से देखते तो ये ज्यादा एसिडिक आता, फिर ये आता और फिर ये आता, लेकिन आ ये रहा है। क्यों? ये मैं आपको 12th में बता दूंगा अपने आप ही, ठीक है। तो ये आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड भी कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आप, ठीक है, एसिडिक या बेसिक क्या है। अब जैसे मैं एक लाइन आपको पहले बोलने की कोशिश कर रहा था, और वो ये कर रहा था कि ये पीबीओ है एम्फोटेरिक, ये भी पीबीओ है पीबीओ2 है एम्फोटेरिक, ये दोनों एम्फोटेरिक है। क्या है? दोनों एम्फोटेरिक। अब इस पर देखोगे तो +2 है और इस पर देखोगे तो +4 है। तो यानी कि ये वाला जो एम्फोटेरिक है, अब वो कैसा होगा? मोर एसिडिक और लेस बेसिक। और ये वाला क्या होगा? मोर बेसिक और लेस एसिडिक। मोर बेसिक, लेस एसिडिक। और अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। एम्फोटेरिक में जो मैं बार बार बोल रहा था कि ये ज्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक, समझ में आया? बराबर नहीं होते हैं। तो यहां देखो, ये आपका एम्फोटेरिक है, लेकिन कैसा टाइप का है? मोर एसिडिक लेस बेसिक। ये किस टाइप का है? मोर बेसिक लेस एसिडिक। क्लियर? अब नोट करके बस इतना लिखेंगे कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं, NO, N2O, CO, और पानी भी होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड्स है? न्यूट्रल ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड्स है? न्यूट्रल, ठीक है। तो आपको एसिडिक आ गया, बेसिक आ गया, एम्फोटेरिक आ गया और न्यूट्रल आ गया। एस ब्लॉक में पढ़ लिए, पी ब्लॉक में पढ़ लिए और डी ब्लॉक में पढ़ लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। चलो टाटा, बाय बाय, वेलकम। बढ़िया से पढ़ना है ना।